हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जापनीज। मैं अशोक एबर फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्जिन क्या होता है और किसी भी ट्रेड को करने के लिए कितना मार्जिन लगता है, ये आप कैसे पता कर सकते हैं, इसके बारे में जो है आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप कोई भी ट्रेड करते हैं, जैसे आप सपोज कीजिए निफ्टी बाय कर रहे हैं या निफ्टी सेल कर रहे हैं, आप इंट्राडे में बाय कर रहे हैं या नॉर्मल में बाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके अकाउंट में कितना कैपिटल होना चाहिए, कितना मार्जिन होना चाहिए, ये कैसे पता करते हैं, इसके बारे में जो है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। वैसे तो इसके काफ़ी सारे काफ़ी तरीके से आप पता कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर उनमें से जो एक तरीका है वो एक तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है अपस्टॉक्स प्रो की वेबसाइट है, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको पहले सपोर्ट में जाना है और ये जो टूल्स एंड कैलकुलेटर लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये वाला पेज जो है ये ओपन होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है ये स्पेन कैलकुलेटर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। उस पेज में जो है इसका स्पेन कैलकुलेटर होगा कि आपको किस तरीके से मार्जिन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखिए नया पेज है, ये एनएससी का है। अब इसको मैं चेंज करके फ्यूचर कर लेता हूँ, ये फ्यूचर है। अब सपोज कीजिए कि आपको जो है यहाँ पे निफ्टी का एक लॉट ट्रेड करना है और आपको जानना है कि निफ्टी का एक लॉट ट्रेड करने में कितना मार्जिन लगता है, आपके अकाउंट में कितना कैपिटल होना चाहिए। तो देखिए ये एनएससी, ये निफ्टी, ये फ्यूचर सेलेक्ट कर लिया और एक्सपायरी है 27 अप्रैल 2017। हमने यहाँ बाय किया, अगर आप सेल करेंगे तो यहाँ सेल सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम बाय के एग्जांपल के साथ जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे बाय सेलेक्ट किया। उसके बाद इसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तब जैसे ऐड करते हैं तो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ बॉटम में आ जाता है। ये देखिए एक्सचेंज एनएससी, सेगमेंट आपका फ्यूचर्स और ये निफ्टी, एक्सपायरी आ गया 27 अप्रैल 2017। और चूंकि हम फ्यूचर में कर रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन टाइप कुछ नहीं दिखा रहा है, स्ट्राइक कुछ नहीं दिखा रहा है, क्वांटिटी 75 और प्राइस दिखा रहा है 9263.25। तो अब नीचे में देखिए आपको यहाँ सब बताएगा कि स्पेन मार्जिन आपका आ रहा है 34739, एक्सपोजर मार्जिन आ रहा है आपका 20842 और टोटल मार्जिन आपका आ रहा है 55581। तो अगर आप निफ्टी का एक लॉट फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो उस एक लॉट को आपको नॉर्मल पोजीशन लेने के लिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में इतना मार्जिन या इतना कैपिटल होना चाहिए, 55581 रुपीज। अगर आपके अकाउंट में इतना पैसा नहीं है तो जो है आप निफ्टी का नॉर्मल पोजीशन ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये हुई पहली बात। अब दूसरी बात कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि ब्रेकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर या फिर MIS ऑर्डर, जो कि सिर्फ उसी एक दिन के लिए होता है, आज ही आपने बाय या सेल किया और आज ही आपको उस पोजीशन को क्लोज करना है मार्केट के बंद होने के पहले, अगर आप ये इंट्राडे ऑर्डर खोलना चाहते हैं तब उसके लिए आपको इतना कैपिटल की जरूरत नहीं है। आप जो एक्सपोजर मार्जिन होता है उसी के आसपास, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है, इसी के आसपास जो है आपको लगता है। जैसे अगर आप ब्रेकेट या कवर ऑर्डर या फिर आप MIS ऑर्डर खोलेंगे निफ्टी के एक लॉट को बाय करने के लिए इंट्राडे में, तो आपको 20,842 के आसपास का जो है आपको मार्जिन लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप किसी का भी जो है मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं जिसको आप ट्रेड करना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी स्टॉक को ट्रेड करना चाहते हैं, सपोज कीजिए अगर आप ICICI बैंक का जो स्टॉक है उसको आप ट्रेड करना चाहते हैं एक लॉट, तो आपने यहाँ पे ICICI बैंक सिलेक्ट कर लिया, ये फ्यूचर NSE 27 अप्रैल का एक्सपायरी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, इसे हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, ऐड, ये देखिए अब ये यहाँ पे आ गया ICICI बैंक का। देखिए इसका स्पेन मार्जिन आ रहा है 53,850 रुपीज, एक्सपोजर मार्जिन आ रहा है 35,862 रुपीज और टोटल मार्जिन आ रहा है 89,712 रुपीज। तो अगर आप ICICI बैंक का एक लॉट फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं नॉर्मल पोजीशन, तो आपके अकाउंट में जो है इतना अमाउंट होना चाहिए 89,712 रुपीज। अगर इतना अमाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं है तो जो है आप ICICI बैंक का एक नॉर्मल लॉट ट्रेड नहीं कर पाएंगे।
हाँ, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं जैसे ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर या MIS ऑर्डर, तो जो है आप जो एक्सपोजर मार्जिन होता है इसी के आसपास उसका जो है मार्जिन लगता है, तो वो है आपका 35,862 रुपीस। तो इतना अमाउंट अगर आपके अकाउंट में है तो जो है आप इंट्राडे में उसे ट्रेड कर पाएंगे ICICI बैंक को फ्यूचर में, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का जो है मार्जिन पता कर सकते हैं जिसे जो है आप ट्रेड करना चाहते हैं। ये हो गया फ्यूचर का। अगर आप किसी ऑप्शंस का जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसके चेंज कर दीजिए ऑप्शन में, उसके बाद आप जो है इसे सिलेक्ट कर लीजिए जैसे जैसे है, जैसे कॉल है या पुट है वो है, और स्ट्राइक प्राइस आप चूज कर लीजिए, और उसके बाद फिर जो है इसको यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। तो नीचे जो है आपका किसी भी ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए कितना मार्जिन लगेगा वो आपको नीचे में बता देगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों कि अगर आप कोई भी ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे वो कोई स्टॉक हो, चाहे कोई इंडेक्स हो, या फिर वो कोई करेंसी हो या कमोडिटी हो, या फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं या ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको वो ट्रेड करने के लिए कितना मार्जिन की ज़रूरत होगी, कितना पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए, इस चीज़ को जो है आप इस स्पैन कैलकुलेटर के माध्यम से पता कर सकते हैं अगर आप कोई भी ट्रेड करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ओके दोस्तों, तो ये था मार्जिन कैलकुलेटर किसी भी स्टॉक के लिए, फ्यूचर ऑप्शन के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ जरूर शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। थैंक यू। बाय बाय।